Hello students, today's topic is 1-1, many-1, on-2, in-2 functions. One of those very very important topics in this chapter. अब इसमें दोनों को हम साथ में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों का डिस्कशन साइमल्टेनियसली ही किया जाता है. ठीक है, सो फर्स्ट 1-1 फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, वॉट इज इट? एंड अगर हमारे सामने कोई फंक्शन आ जाए देन हाउ डू वी चेक what are the different methods by which we can conclude the function is injective or not. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. तो अगर कोई फंक्शन a to b में है एंड फॉर इट टू बी 1-1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट देयर शुड बी ए न्यू आउटपुट, राइट? कोई भी दो एलिमेंट सेम आउटपुट क्रिएट ना करें, देयर शुड बी ओनली 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस. ठीक है, हर एक एलिमेंट के पास हर बार एक नया आउटपुट ही आना चाहिए. फाइन, तो क्या हम यहाँ से एक चीज क्लियरली कह सकते हैं कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, कि कोडोमेन के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन और शुड एक्सीड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन. अगर इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और इधर 4 है, कोडोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन, देन इन दैट केस क्या हम 1-1 फंक्शन क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि हर बार हर एक एलिमेंट के पास एक नया आउटपुट ही आना चाहिए, मतलब एक फ्रेश एलिमेंट ही आज आउटपुट क्रिएट होना चाहिए. तो इस एलिमेंट को हमें यही देना पड़ेगा. अब फोर्थ एलिमेंट के पास आज आउटपुट कुछ बचा ही नहीं है, इसका मतलब 1-1 फंक्शन इज जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट? और वैसे भी हमें पता है 1-1 कनेक्शन, 1-1 कनेक्शन, इसका मतलब जितने एलिमेंट्स इधर हैं उतने तो बेयर मिनिमम इधर होना ही चाहिए, उसको एक्सीड कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो फॉर 1-1 फंक्शंस टू एग्जिस्ट, वन थिंग वेरी क्लियर, एन ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी मस्ट बी. फाइन बेटा, तो अगर एन ऑफ बी लेसर देन एन ऑफ ए है, आपने स्ट्रेट अवे कहना है नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन इज 0. फाइन, अब नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, बट दिस पार्ट इज क्लियर. राइट, नाउ लुक एट, कोई फंक्शन जो 1-1 नहीं है, फंक्शन है 1-1 नहीं है, इसका मतलब क्या है? मेनी वन है. 1-to-many तो फंक्शन होते ही नहीं है, फंक्शन या तो 1-1 होता है या मेनी वन होता है. तो कोई भी फंक्शन जो इंजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब वो मेनी वन है, राइट? अगर कोई फंक्शन मेनी वन नहीं है तो इंजेक्टिव है. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में बात करूं तो 1-1 एंड मेनी वन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, राइट? 1-1 है तो मेनी वन नहीं हो सकता, मेनी वन है तो 1-1 नहीं हो सकता, 1-1 नहीं है तो मेनी वन ही होगा, मेनी वन नहीं है तो 1-1 ही होगा. फाइन, नाउ हाउ डू वी चेक एनी गिवन फंक्शन 1-1 है या नहीं है, और 1-1 नहीं है तो मेनी वन तो बन ही जाना है. ठीक है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स. फर्स्ट मेथड, हम क्या करते हैं, वी बिगिन विथ कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि दो इनपुट ऐसे हैं जो सेम आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, हमने यहीं से बिगिन किया, लेट देयर बी x1 एंड x2 एज टू इनपुट्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट, f ऑफ x1, f ऑफ x2, दे आर इक्वल. ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि क्या आ रहा है. अगर यहां से कंक्लूड हो रहा है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन पे ही पॉसिबल है कि x1 एंड x2 हैव टू बी इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये दो अलग अलग इनपुट के लिए पॉसिबल नहीं है, ये तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एक बन जाए, मतलब सिर्फ एक ही लाइन यहाँ से ओरिजिनेट हो. ठीक, अब हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी मेथड के हेल्प से, ठीक है, ताकि क्लैरिटी आ जाए. लुक एट, इफ द क्वेश्चन सेज f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 वेयर f इज फ्रॉम रियल टू रियल. ठीक, अब हमने किया बिगिन एज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहां से हमें मिला f ऑफ x1 इज x1 पावर 4, f ऑफ x2 इज x2 पावर 4. दोनों तरफ अगर इवन पावर होता है तो हम कहते हैं x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2. कभी भी अगर x1 कोई इवन पावर है, दोनों तरफ सेम पावर है, तो आपने कहना है x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2. और अगर ऑड पावर है, x1 पावर 2n+1, सेम पावर इधर भी है, तो इन दैट केस x1 इज इक्वल टू x2 डायरेक्टली लिखना है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. तो ये आ गया. अब यहाँ पे हमारा कंक्लूजन हुआ
कि ये तो तभी पॉसिबल है जब या तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए या x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो जाए, राइट। और हमने अभी अभी ये डिस्कस किया कि अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, दैट मीन्स द फंक्शन इज वन वन इन नेचर, राइट। कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 की पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब x1 इज इक्वल टू x2 आए, राइट, देन द फंक्शन विल बी वन वन। लेकिन अगर x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा कोई और कंडीशन भी जनरेट होता है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 फुलफिल होता हो, मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 को आपने सॉल्व किया और वहां से x1 इज इक्वल टू x2 तो आएगा, ये तो हमेशा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी जनरेट हुआ है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है क्या ये पॉसिबिलिटी हमारे इस सेट में एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं है। कोई ब्लाइंड अप्रोच फॉलो नहीं करना है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी इस सेट में पॉसिबल है तो चेक करें। क्या कोई दो रियल नंबर आप ऐसे बता सकते हैं जो एक दूसरे के नेगेटिव हो? बिल्कुल बताया जा सकता है, वन एंड माइनस वन, टू एंड माइनस टू, पॉइंट वन एंड माइनस पॉइंट वन, यस दे आर नेगेटिव ऑफ इच अदर। तो यहाँ कंक्लूड हो जाता है कि ये एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कंडीशन इस पे भी फुलफिल होगा और इस हालत में भी फुलफिल होगा। तो जब कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा, देन द फंक्शन नेचर इज मेनी वन, वो वन वन हो ही नहीं सकता, राइट। अब जब कभी भी आप मेनी वन कहते हो तो आप एक एग्जांपल भी अपने लिए फ्रेम कर लें इस कंडीशन के बेस पे। हमने देखा x1 एंड x2 वन एंड माइनस वन ले लेते हैं, तो f ऑफ 1 वन आ रहा है, f ऑफ माइनस वन भी वन आ रहा है, तो कंक्लूड हो गया द फंक्शन इज मेनी वन इन नेचर, ठीक है। अनदर थिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग जिसने भी पढ़ा हो, अभी तो सीबीएसई के सिलेबस से वो रिमूव ही हो गया, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि वो हमें लॉजिकल हैंडलिंग सिखाता था। क्योंकि इफ देन इस कंडीशन किससे तो हम बाहर आ ही नहीं सकते, ये कंडीशन तो हमेशा ही हमारे सिलेबस में रहेगा और इसके बारे में डिस्कशन हम उसी चैप्टर में करते थे, राइट। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में एक टॉपिक था पहले मेथड्स टू वैलिडेट अ स्टेटमेंट, मेथड्स टू वैलिडेट अ स्टेटमेंट। उसमें मेथड्स क्या क्या होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, जो भी हम प्रूफ करते हैं, जैसे हम डायरेक्टली प्रूफ करते हैं ना कोई चीज, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हो डायरेक्टली राइट हैंड साइड तक पहुंच सकते हो, है ना, दैट इज डायरेक्ट मेथड। फिर हमने सेकेंड पढ़ा कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड यूज होता है इफ देन वाले प्रूविंग के लिए, राइट। वो सब क्या होता है, विल डिस्कस ऑल दैट जब भी हमारे पास वो लॉजिकल डीलिंग वाले चैप्टर आएंगे, उससे पहले हम उसे कवर कर लेंगे। देन थर्ड इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो आप यूज करते हो रूट टू इज एन इरेशनल नंबर प्रूविंग के लिए, आप यूज करते हो ना, यू बिगिन विद लेट रूट टू बी ए रैशनल नंबर, है ना, तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन के अजम्पशन से आप उस स्टेटमेंट की वैलिडेशन को स्टार्ट करते हो, राइट। देन फोर्थ इज बाय काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल मेथड होता क्या है और इसका यूज आप बहुत इंटरेस्टिंगली ले सकते हो। सबसे पहले तो समझो बात को, जैसे यही क्वेश्चन आप ले लो, अगर आप ऐसा एक एग्जाम्पल दे देते हो कि दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए ये जो फंक्शन है ये इस सेट में सेम आउटपुट दे रहा है, सेम आउटपुट दे रहा है, कोई एक भी आप एग्जाम्पल दे देते हो, तो क्या वो फंक्शन मेनी वन बन जाएगा? मतलब किसी एक जगह पर भी अगर वो मेनी टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फॉलो कर देता है, दैट बिकम्स केस ऑफ ए मेनी वन फंक्शन, राइट। तो वन वन हो ही नहीं सकता, राइट, वहां से भी वो हो जाता है। लेकिन ये आप कहाँ पर यूज करोगे? टू प्रूव दैट द फंक्शन इज मेनी वन। आप एग्जाम्पल देके वन वन प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आप 10 ऐसा एग्जाम्पल दे दो जहां पे वो वन वन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जैसे मैं कहूँ सी एफ ऑफ वन इज वन एंड एफ ऑफ टू इज 16, सो एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू, तो इन दोनों के लिए तो ये अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस किया। लेकिन हो सकता है जो एग्जाम्पल्स आप दे रहे हो वहां पे वो हर बार नया नया आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं हो सकता है वो फेल हो जाए, राइट। तो वो चीज को तो आप यहां से कंफर्म नहीं कर सकते बाय गिविंग यू एग्जांपल्स, लेकिन आप मेनी वन के लिए एग्जांपल से बता सकते हो। अगर आप कोई एक भी एग्जांपल दे देते हो, एफ ऑफ वन इज एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ टू इज एफ ऑफ माइनस टू, इवन पावर है ना, राइट, सो एफ ऑफ ए इज एफ ऑफ माइनस ए, तो वो सफिशियंट है टू शो दैट इट इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल बेस्ड प्रूविंग है ये आप यूज कर सकते हो मेनी वन के लिए, वन वन के लिए नहीं कर सकते, फाइन है। नेक्स्ट, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये सेट मॉडिफाई कर रही हूँ, ध्यान देना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, क्या अब ये फंक्शन वन वन है? यही सेम स्टाइल ऑफ सॉल्विंग, यही कंक्लूजन आया। अब हम चेक करेंगे ये चीज होल्ड करेगा या नहीं करेगा। अगर ये चीज इस सेट में कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है तो इस फंक्शन को ये मेनी वन बना देगा। अगर ये कभी भी इस सेट पे होल्ड नहीं कर सकता तो सिर्फ यही रह जाएगा, दैट मीन्स द फंक्शन विल बी वन वन।
ठीक है, तो आप चेक करते हैं नेचुरल नंबर के लिए कि आप दो नेचुरल नंबर ऐसे बता सकते हैं जो एक दूसरे के नेगेटिव हो. वन इज नेगेटिव ऑफ द अदर, पॉसिबल है. नेचुरल नंबर सारे के सारे पॉजिटिव है. वन कैन नॉट बी नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब इस सेट में ये चीज कभी भी पॉसिबल है ही नहीं. इसका मतलब द फंक्शन नेचर इज वन वन. एम आई क्लियर? नाउ यहां पे आप मेंशन कर ले f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन. दैट वुड इंप्लाई द फंक्शन इज वन वन इन नेचर. ठीक है, और इसके साथ अपना नोट्स आप कंप्लीट करें उसके लिए क्लियरली मेंशन कर लें जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं. हो सकता है इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन भी जनरेट हो रहा हो, तो आप उसे चेक करेंगे कि गिवन सेट के विद इन वो कंडीशन एक्चुअली ऑकर कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर ऑकर कर रहा है देन द फंक्शन इज मेनी वन, अगर कभी भी नहीं कर पा रहा है देन द फंक्शन विल रिमेन वन वन. क्लियर? देन सेकेंड मेथड, ये वही है जो मैंने एग्जाम्पल की बात की. अगर आप कोई ऐसा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें x1 एंड x2 तो डिफरेंट है लेकिन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 सेम है, जैसे अभी हमने बात की, या कुछ और ले लेते हैं x पावर 4 माइनस 1, x पावर 4 प्लस 1, इवन पावर ऑफ द वेरिएबल है. इन दैट केस x के पे मैं माइनस ए लूँ या प्लस ए लूँ दोनों सेम ही आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, राइट? सो आई कैन क्लियरली से माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बट f ऑफ माइनस 1 एंड f ऑफ 1 आर इक्वल. सो दिस वुड इम्प्लाई द फंक्शन इज मेनी वन. क्लियर बेटा? तो इसमें आपको कुछ भी लिख के करना नहीं है. अगर आप ऐसा एक एग्जाम्पल देखते हुए बता सकते हो तो फंक्शन कैन बी कंक्लूडेड एज मेनी वन. फाइन, और इस पर भी कई इक्वेशन पे क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, तो आपको एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. नेक्स्ट मेथड आप देखें, कैलकुलस मेथड. ये आप तभी यूज करेंगे जब जो डोमेन है वो कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स टू इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज है, वहाँ आप कैलकुलस मेथड यूज कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो कैलकुलस मेथड का यूज आप तभी लेंगे जब डोमेन कॉन्टिन्यूअस है. और करना क्या है ये आप देख लें. आपको डोमेन लिखना है, अगर क्वेश्चन ने दिया है इंटरवल कोई देन फाइन, अदरवाइज आप उस फंक्शन का कंप्लीट डोमेन लेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज इसका डोमेन ए टू बी है और हमें चेक करना है इस इंटरवल में ये फंक्शन वन वन है या नहीं है. तो आपको इमीडिएटली f डैश x कंसिडर करना है. ठीक है, हमने f डैश x फाइंड कर लिया. अब आप चेक कर लो विद इन द कम्प्लीट इंटरवल, मतलब इस इंटरवल में f डैश x का रेंज क्या आ रहा है, f डैश x के जो वैल्यूज क्रिएट होंगे इस इंटरवल में वो किस तरह के हैं. ठीक, अगर वो पूरी तरह से पॉजिटिव ही है ऑल थ्रू आउट, f डैश x इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है पूरे के पूरे इंटरवल पे, इन दैट केस द ग्राफ इज स्ट्रिक्टली अपवर्ड मूविंग. y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ स्ट्रिक्टली अपवर्ड मूविंग आएगा, तो फंक्शन का नेचर बन जाता है वन वन. हर एक नए इनपुट के लिए नया आउटपुट ही क्रिएट हो रहा है. अपवर्ड मूविंग ग्राफ तभी तो होता है जैसे जैसे आप इनपुट को इंक्रीज करते हैं आउटपुट भी कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होता है. ठीक है, तो ये आ जाता है आज वन वन. अगर स्ट्रिक्टली नेगेटिव आया, डाउनवर्ड मूविंग है, तब भी ये वन वन ही रहा. अगर ध्यान देना ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आया तो आप चेक कर लो जो इक्वल टू जीरो है क्या वो डिस्क्रीट प्लेसेस पे बना है. देखो कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे ना फंक्शन कांस्टेंट नहीं होता. कांस्टेंट का मतलब क्या है, रिलेटिवली सेम रहे, आगे पीछे वो सेम रहे तब हम कहते हैं कांस्टेंट है ना. अगर आपका एक ही टेस्ट हुआ है और आपके मार्क्स कुछ आए उसमें से तो क्या हम कहेंगे आपके मार्क्स कांस्टेंट है, नहीं ना. लेकिन अगर आपका प्रीवियस टेस्ट में भी 30 था अभी भी 30 है तो उसे मार्क्स आ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट इज नथिंग बट कंपेरिजन. ठीक है, तो एक पॉइंट पे कांस्टेंट तो होता नहीं है. तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो आया देखते हुए आप ये नहीं बोलोगे कि फंक्शन कांस्टेंट बन गया. एफ डैश एक्स हमें ये बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो आए ऑल थ्रू आउट ओवर एन इंटरवल, एक इंटरवल यहां से लेके यहां तक, तब वो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा. एक सिंगल पॉइंट पे एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो बनना वो कांस्टेंट नहीं बन जाता. तो उससे पहले अगर ग्राफ ऊपर जा रहा था उससे बाद में भी ऊपर जा रहा है देन इन दैट केस उस जगह पे भी वो राइजिंग कर्व ही है. ठीक है, जस्ट दैट वो स्लो डाउन हो गया इसकी वजह से वहां पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया वो जीरो आया. ठीक है, तो अगर डिस्क्रीट प्लेसेस पे ये ऑकर कर रहा है एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एट डिस्क्रीट प्लेसेस दैट विल मीन द फंक्शन इज वन वन. फाइन, लेकिन अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो ओवर एन इंटरवल आ रहा है, ओवर एन इंटरवल, एक इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो बन रहा है. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आप चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करके क्या पर्टिकुलर पोजीशंस आ रहे हैं
या इंटरवल पे आ रहा है। देखो इंटरवल पे तो तभी आता है जब या तो फंक्शन ही कांस्टेंट है या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का इन्वॉल्वमेंट है, तभी आता है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एफ डैश एस का वैल्यू जीरो अगर ओवर इन इंटरवल आया देन द फंक्शन इज मेनी वन, फाइन, क्योंकि अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाता है तो उस इंटरवल में हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट सेम ही आ रहा है, तो मेनी वन फंक्शन वो क्रिएट करेगा, डन। उसी तरह से अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो आप चेक कर लें, इक्वल टू जीरो डिस्क्रीट प्लेसेस पे है तो वन वन, अगर ओवर एन इंटरवल है तो मेनी वन, क्लियर है। लास्ट थिंग, अगर एफ डैश एक्स का जो रेंज आया है उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी है और पॉजिटिव वैल्यूज भी है, मतलब अगर इसका रेंज कुछ माइनस वन से टू आया, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो अगर ऊपर जाते हुए नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे अगर कोई ग्राफ ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया या नीचे जा रहा था फिर ऊपर आया, ये मेनी वन क्यों बनेगा। अगर आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो किसी पोजीशन पे और उसने ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट किया, इन दैट केस अगर इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट टू है लेट्स सपोज, तो इस पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट टू ही होगा, वर्टिकली सेम लेवल पे है तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट, राइट, तो इसका मतलब सेम आउटपुट देने वाले दो डिफरेंट एक्स है ना, तो फंक्शन का नेचर बन जाएगा मेनी वन। तो माइंड इट, अगर एफ डैश इसके रेंज में नेगेटिव वैल्यूज एंड पॉजिटिव वैल्यूज दोनों हैं, इसका मतलब ग्राफ ऊपर भी जा रहा है नीचे की ओर भी आ रहा है, तो हॉरिजेंटल लाइन ने कट करना ही है एक से ज्यादा जगह पे, सो फंक्शन विल बिकम मेनी वन, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन ने इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब मल्टीपल पोजिशन आ दिया जिनके वाई कोऑर्डिनेट सेम है बट एक्स आर डिफरेंट, इनपुट्स आर डिफरेंट बट आउटपुट्स आर द सेम, सो फंक्शन नेचर इज मेनी वन, क्लियर बेटा। इसको अप्लाई करके आप एक क्वेश्चन अभी देख लो, वैसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेट्स टेक एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, इमीडिएटली एफ डैश एक्स ले लें थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसका रेंज ले लें, कोई इंटरवल गिवन नहीं है, इसका मतलब डोमेन, डोमेन पॉलिनोमियल का तो आर ही होता है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी में होता है तो थ्री एक्स स्क्वायर भी जीरो से इन्फिनिटी में है, हर वैल्यू में से माइनस थ्री हुआ तो माइनस थ्री से इन्फिनिटी, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी है और पॉजिटिव वैल्यूज भी है, इसका मतलब ग्राफ कभी ऊपर भी जा रहा है तो कभी नीचे भी आ रहा है, सो क्लियरली द फंक्शन इज मेनी वन इन नेचर, क्लियर। लेकिन अगर क्वेश्चन है थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस फाइव, अब अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वी गेट नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जीरो से इन्फिनिटी में है, वन ऐड हुआ वन टू इन्फिनिटी, कम्प्लीटली पॉजिटिव वैल्यूज है, ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर भाग रहे हैं, नेचर इज वन वन, क्लियर है। लास्ट, अगर आपके सामने किसी फंक्शन का ग्राफ है तो ग्राफ को देखते हुए आप कैसे कंक्लूड करेंगे वो वन वन है या मेनी वन है, तो उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो किसी भी पोजिशन पे, अगर उस हॉरिजेंटल लाइन ने ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट नहीं किया, एट मोस्ट वन जगह पे कट कर रहा है, दैट मीन्स द फंक्शन नेचर इज वन वन। अगर हॉरिजेंटल लाइन ने किसी भी एक पोजीशन पे एक से ज्यादा जगह पे कट कर दिया, फंक्शन नेचर इज मेनी वन, क्लियर बिल्कुल। अब यहां देखें ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसे हम इनटू कहते हैं, तो ऑन टू एंड इनटू दे आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है, अगर ऑन टू है तो इनटू नहीं हो सकता, इनटू है तो ऑन टू नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं है तो इनटू हो गई, और इनटू नहीं है तो ऑन टू तो होना ही है, ठीक। क्या मतलब है, कोई भी फंक्शन ए टू बी में अगर को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो सभी के सभी यूज में आए हैं, इसका मतलब जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो कंप्लीट कोडोमेन ही है, कोडोमेन में कोई भी अनयूज्ड एलिमेंट नहीं है, देन द फंक्शन नेचर इज ऑन टू, ठीक है, इसका कंप्लीट एलिमेंट्स एज आउटपुट्स यूज हुए हैं, देन द फंक्शन नेचर इज ऑन टू। और अगर यहां पे अनयूज्ड एलिमेंट रह जाते हैं, इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इन टू, इज दैट फाइन। अब मीनिंग तो क्लियर है, नाउ हाउ डू वी चेक, कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया जाए वो ऑन टू है या इन टू है, यहां देखें जो भी फंक्शन आपको गिवन है ए टू बी में, आप ए सेट में इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करें, ठीक है, इन इनपुट्स के लिए बस, अगर रेंज इक्वल टू द कोडोमेन है, सेट बी है, देन द फंक्शन नेचर इज ऑन टू। अगर रेंज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन है, मतलब जो रेंज है वो एक प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, देन द फंक्शन इज इन टू इन नेचर,
ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल, दैट वुड मीन इट इज इनटू, फाइन बेटा. सेकेंड वे जो मैंने आपको बोला ना, यू काउंटर द सिचुएशन विथ एन एग्जाम्पल, जिसे हम काउंटर एग्जाम्पल मेथड कहते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं फेलिंग सिचुएशन के लिए, कि वो ऑन टू नहीं है उसके प्रूविंग के लिए, मतलब फंक्शन इन टू है उसके प्रूविंग के लिए आप यूज कर सकते हैं. आप ऑन टू के प्रूविंग के लिए एक एग्जाम्पल से प्रूव नहीं कर सकते, जैसे वन वन के प्रूविंग के लिए एक एग्जाम्पल सफिशियंट नहीं होता, लेकिन मेनी वन के प्रूविंग के लिए एक एग्जाम्पल सफिशियंट होता है. उसी तरह से इन टू के प्रूविंग के लिए एक एग्जाम्पल ही सफिशियंट है. आपको क्या करना है, जो कोडोमेन है उसमें से आप कोई एक एलिमेंट बता दो जो आज आउटपुट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, इस सेट के किसी भी एलिमेंट का आज आउटपुट वो बन ही नहीं सकता, तो प्रूफ हो जाता है द फंक्शन इज इनटू इन नेचर, क्योंकि वो एलिमेंट अनयूज्ड रहेगा ही रहेगा. फॉर एग्जांपल, अगर फंक्शन है आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स, कुछ भी ले लेते हैं, ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर. अब एक तरीका जो मैंने आपको बताया, आप इसका रेंज निकाल लें और देख लें रेंज आर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं. दूसरा तरीका जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो है और ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये कंबाइन होकर हमेशा ग्रेटर देन जीरो रिजल्ट ही क्रिएट करेंगे. इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता और ये वैल्यू कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, राइट. तो इस कोडोमेन में बहुत सारे नेगेटिव वैल्यूज भी है और जीरो भी है, जो एज आउटपुट क्रिएट ही नहीं हो सकते, और वैसे भी हमारे लिए सिर्फ एक वैल्यू अगर हम बता देते हैं आज आउटपुट क्रिएट नहीं हो सकता तो इनफ है, और हमने तो इनफाइनेटली मेनी एग्जांपल्स दे दिए, राइट. सो हियर द फंक्शन नेचर इज इनटू, क्लियर बेटा. अब क्वेश्चंस देखें, लेकिन उससे पहले बाइजेक्टिव फंक्शंस होते क्या है, फंक्शंस विच आर इंजेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, फंक्शंस विच आर वन वन एज वेल एज ऑन टू, दे आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है. तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा तो हमें करना ही नहीं है, वन वन चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, अगर दोनों सेटिस्फाइंग है देन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अगर दोनों में से कोई भी एक फेल हो जाता है या दोनों फेल हो जाते हैं फंक्शन कैन नॉट बी बाइजेक्टिव, क्लियर. अब नंबर ऑफ वन वन मेनी वन ऑन टू इन टू ये हम करेंगे एंड देन विल गेट ऑन टू डूइंग क्वेश्चंस, ठीक है. यहां देखें नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे फ्रॉम सेट ए टू बी. अगर हमारे पास दो सेट है ए एंड बी एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू चेक हाउ मेनी वन वन फंक्शंस आर पॉसिबल, तो इस काम को हम कैसे करेंगे, ये देखें. सबसे पहली बात, क्या कार्डिनलिटी ऑफ बी स्मॉलर है देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, जो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था. इसका मतलब अगर इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू है और इधर थ्री है, तो अगर इधर थ्री है और हर एक को हर बार एक नया आउटपुट ही हमें असाइन करना है, तो बेयर मिनिमम इधर थ्री एलिमेंट्स का तो होना जरूरी है ना. तो अगर इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर, देन इन दैट केस वी विल से नो वन वन फंक्शंस आर पॉसिबल, सो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस हियर इज जीरो, करेक्ट. एंड इस केस में अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए होता है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे, उस चीज को आप देखें. वैसे तो आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन को इसे इजीली समझ सकते हैं, बट जस्ट अंडरस्टैंड, लेट्स सपोज आई हैव थ्री एलिमेंट्स हियर एंड आई हैव फाइव एलिमेंट्स हियर, तो इस एलिमेंट का मैपिंग हम फाइव वेज में चूज कर सकते हैं. लेट्स सपोज यह कनेक्ट हो गया. अब सेकेंड एलिमेंट के मैपिंग के लिए हमारे पास फोर चॉइसेस आ गए, इसके साथ हम कनेक्ट कर नहीं सकते, मेनी वन हो जाएगा. सो फोर ऑप्शंस, लेट्स सपोज दिस इज कनेक्टेड विद दिस. अब इस एलिमेंट के लिए थ्री चॉइसेस, राइट. सो नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाइड है, कितने टर्म्स हैं, जितने एलिमेंट्स इधर हैं, राइट. तो जब नंबर्स कॉन्टिन्यूएशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाइड रहते हैं नेचुरल नंबर्स, देन इन दैट केस वी कैन कन्वर्ट इट इनटू फाइव, जो लार्जेस्ट नंबर है पी, पी परम्यूटेशन, ओके, कितने टर्म्स है, थ्री, फाइव पी थ्री, ठीक है. इसका मतलब इन जनरल इसका जो आंसर आएगा, अगर इधर एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और इधर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ दिया, देन इन दैट केस आंसर विल बी एन पी एम, फाइन. तो यहां पर हम लिखेंगे एन पी एम. तो अगर दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया तो ये बन जाएगा एन पी एन, जो कि एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है. तो डायरेक्टली यूज में लें लाइक दिस. और अगर आपसे नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन पूछा जाए, तो बच्चा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस. वन वन फंक्शन आपको काउंट करना आता ही है और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस भी हमें पता है,
तो उसमें से आप नंबर ऑफ वन वन फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दे, आपको नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन का पता चल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आप देखें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन. फॉर्मूला में लिख रही हूँ, डायरेक्टली उसमें लेना. ये हम डिराइव करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ. वहाँ पे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक होगा जहाँ पे ये सब हम कवर करेंगे. ठीक है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से प्रूव हो जाएगा. अभी बस आप इसे याद रख लेंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस व्हिच इज एन पावर एम माइनस प्री इमेज सेट के पास एम एलिमेंट्स आ दिया और इधर एन एलिमेंट्स आ दिया. ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट इसमें से अनयूज्ड है, आप चूज कर ले कौन सा एलिमेंट है. एंड जो एन माइनस वन एलिमेंट्स है उनके पास ये m एलिमेंट्स को असाइन करते हैं. ठीक है, एंड ऑल्टरनेट साइंस के साथ एक अनयूज था, देन टू एलिमेंट्स हियर आर अनयूज, एन सी टू एन माइनस टू, टू को आप सब्ट्रैक्ट कर दे क्योंकि वो टू अनयूज है. रिमेनिंग n माइनस टू पावर m ऑल्टरनेट साइंस के साथ आप इसे कंटिन्यू करना है. कहाँ तक कंटिन्यू करना है, जब इसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ दे और आप n माइनस वन एलिमेंट्स को अनयूज रख देते हैं, इसका मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज में आ रहा है, उसके बाद तो कोई और केस क्रिएट नहीं होगा. तो यहाँ लास्ट केस विल बी एन सी एन माइनस वन वन पावर m. फाइन, साइन आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं. डन बेटा, तो इसे आप एज इट इज याद रखें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के कैलकुलेशन के लिए. लेकिन इंपॉर्टेंट, कब बनेंगे ऑन टू फंक्शंस ये भी आप बता दो. अगर इस तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है और इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, क्या ऑन टू फंक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, आप बताएं. अगर मैं मैक्सिमम यूज भी इस तरफ ले लेती हूँ तो तीन ही एलिमेंट एट मैक्स यूज में आ सकते हैं, क्योंकि वन टू मेनी कॉरेस्पॉन्डेंस तो हो नहीं सकता. तो अगर मैं वन टू वन भी लेती हूँ ना, तो इधर तीन है तो इधर एट मैक्स तीन ही एलिमेंट्स यूज में आ सकते हैं. तो अगर इस तरफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्रॉस कर जाते हैं टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर, तो फंक्शन किसी भी हाल में ऑन टू बन ही नहीं सकता, दैट फंक्शन इज बाउंड टू बी ए इन टू फंक्शन. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कब करेंगे ये बताएं, ओनली व्हेन एन इज लेस देन और इक्वल टू एम. ठीक, अगर एन का वैल्यू ग्रेटर देन एम है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आपने स्ट्रेट अवे कहना है एज दिस. फाइन, तो अगर आपको नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विच इज एन पावर एम माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस करेंगे, ऑन टू फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस से, तो इन टू फंक्शन से तो रह जाएंगे, जो ऑन टू नहीं है वही तो इन टू है. क्लियर है. और यहाँ पे एक और बात देख लें, अगर एम एंड एन इक्वल है, एम एंड एन दोनों इक्वल है, मतलब दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ दिया, लेट्स टेक थ्री एंड इधर भी थ्री एलिमेंट्स आ दिया, अगर हम वन वन फंक्शंस क्रिएट करते हैं क्या वो ऑन टू ही होंगे बाय डिफॉल्ट, और अगर आप कोई ऑन टू फंक्शन क्रिएट करते हो वन वन ही होगा बाय डिफॉल्ट, राइट. तो अगर आपको इस सिचुएशन में बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रेम करने के लिए कहा जाए तो बस वन वन फंक्शन आप क्रिएट कर लो, वो बाइजेक्टिव ही बनेंगे क्योंकि ऑन टू ऑटोमेटिकली होगा द मोमेंट इट इज वन वन, या आप ऑन टू फंक्शन पर ध्यान दे दें वो वन वन बाय डिफॉल्ट ही बनेगा, राइट. तो अब आ जाए लास्ट नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस पॉसिबल. हमने ये देखा अगर हम फंक्शन ए टू बी में लेते हैं, इसकी कार्डिनलिटी एम है और इसकी एन है, तो फंक्शन वन वन तो तभी बनेगा ना जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो, और ऑन टू तभी बन सकता है जब एन लेस देन इक्वल टू एम हो. और अगर हमें दोनों फुलफिलिंग चाहिए तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, फॉर ए फंक्शन टू बी बाइजेक्टिव एम हैज टू बी इक्वल टू एन, राइट, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तो अगर हमें नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस काउंट करने के लिए कहा जाए, आपने इमीडिएटली चेक करना है क्या m नॉट इक्वल टू n है, देन जीरो. अगर m एंड n इक्वल है तो आप नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ले लो, वही बाइजेक्टिव बनेंगे, एंड वन वन फंक्शन इज n p n, राइट, एंड दैट इज n फैक्टोरियल इन दिस केस, क्योंकि n p m होता है ना, n एंड m आर इक्वल, सो n p n एंड दैट इज n फैक्टोरियल. क्लियर बेटा, तो ये तो हो गए बच्चे डायरेक्ट केसेस. अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कंडीशनल काउंटिंग के ऊपर बेस्ट होते हैं. हियर फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, इधर फोर एलिमेंट्स आ दिया एंड टेन एलिमेंट्स आ दिया, तो क्लियर है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस तो पॉसिबल नहीं है. वैसे भी क्वेश्चन ने आपसे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पूछा है, ठीक है. अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन ना हो तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, टेन पी फोर, राइट, दिस इज टोटल. लेकिन क्वेश्चन ने कंडीशन मेंशन किया है यहाँ पे कि एफ ऑफ वन शुड बी टू, मतलब वन इज मैप्ड टू टू बट टू शुडंट बी मैप्ड विथ फोर, जो टू का आउटकम है वो फोर नहीं होना चाहिए. अब देखें जब आप कोई फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं
तो एज सच आप इन एलिमेंट्स को इस तरफ के एलिमेंट्स के साथ मैप करते हैं, राइट, नंबर ऑफ मैपिंग्स को ही तो काउंट करते हैं. तो 1, 2, 3, 4 सो ऑन टिल 10 है. क्वेश्चन ने कहा कि 1 के लिए 2 यूज हो चुका है, मतलब अब हमारे लिए 1 भी एग्जिस्ट नहीं करता और 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमें 1-1 फंक्शन क्रिएट करना है. ठीक है, 1 को हम मल्टीपल आउटपुट तो दे नहीं सकते और 2 एज आउटपुट किसी और एलिमेंट के लिए तो यूज कर ही नहीं सकते. सो एज इफ दोज एलिमेंट्स आर नॉट एग्जिस्टिंग फॉर अस. अब एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 4. 2 4 पे नहीं जा सकता तो 2 कहाँ जाएगा, काउंट कर लेते हैं. अब हमारे पास इधर 9 एलिमेंट्स है और इधर भी 9 एलिमेंट्स है. ठीक, अब 2 की मैपिंग के बारे में डिस्कस करते हैं. एफ ऑफ 2 4 नहीं हो सकता तो 2 अपना मैपिंग कितने तरह से चूज कर सकती है, 4 नहीं ले सकती, 9 एलिमेंट्स आ गए, 1 आउट ऑफ चॉइस हो गया, कितने रह गए, 8. डन. अब 3 की बारी आई, 3 के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब 3 किसी भी एलिमेंट को चूज कर सकती है. हमारे पास यहाँ पे 9 एलिमेंट्स इन टोटल वे देयर, लेकिन एक यूज हो चुका है, 2 ने यूज कर लिया. लेट्स सपोज 2 ने यूज कर लिया 3 को. ठीक, अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स इधर रह गए, 8. सो 3 कैन चूज इन 8 वेज एंड 4 के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अब हमारे पास 7 एलिमेंट्स आ गया. सो 4 कैन चूज इन वन ऑफ दिस वेज, राइट. तो अब हमारे पास आंसर आ गया आज दिस. फाइन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें. फंक्शन 1, 2, 3, 4 सो अनटिल 10, 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स है. नंबर ऑफ 1-2 फंक्शंस, जैसे कि मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, आप उसके हेल्प से अगर लिखते हैं तो 9 पावर 10, 9c1 8 पावर 10, 9c2 7 पावर 10. आप देख रहे हो एक सीरीज में आंसर आएगा. कहाँ तक जाएगा बेटा, 9c8 -1 पावर 8 जो कि प्लस हो जाएगा 1 पावर 10, राइट. ये सीरीज में आंसर आएगा. इसको आप इवैल्यूएट करने में मेहनत करेंगे, इससे बेटर आपके पास डायरेक्ट वे ऑफ आंसरिंग है और उसका आप कब कब यूज लेंगे ये भी देख लें. एंड मोस्ट ऑफ आर क्वेश्चंस आर बेस्ट ऑन सच सिचुएशंस जिसमें जितने एलिमेंट्स यहाँ पे है ना, इधर 1 कम है या 2 कम है, इस तरह के सिचुएशंस पे हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ओरली आंसर कर सकते हैं. किस तरह से, लुक एट, अगर हमारे पास इधर 10 एलिमेंट्स है और इस तरफ 9 एलिमेंट्स ही है, और हमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम ऑन टू फंक्शंस बनाना चाहते हैं. ऑन टू फंक्शन का मतलब ये है कि इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स है और सभी को हम आज आउटपुट यूज करना चाहते हैं. इसका मतलब इधर से 9 एलिमेंट्स, इन 9 एलिमेंट्स को यूज कर लेंगे. अब एक एलिमेंट बच जाएगा और वो एलिमेंट इन्हीं 9 में से किसी एक के साथ कनेक्ट होगा. तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे को समराइज करूँ केनाई से, इधर जो 9 एलिमेंट्स हैं, इन 9 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट होगा जो 2 बार आज आउटपुट, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट के आउटपुट की तरफ क्रिएट हो रहा होगा. यस, कोई एक ही एलिमेंट ऐसा होगा, राइट, क्योंकि 10 एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 10 आउटपुट तो हमें चाहिए और इधर 9 है, मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जो 2 बार आज आउटपुट क्रिएट हो रहा होगा. ठीक, तो एक तरीका इसे आंसर करने का ये है कि आप एलिमेंट को चूज कर लो 9 में से कि कौन सा वो एलिमेंट है जो 2 बार एज आउटपुट क्रिएट हो रहा है, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम आउटपुट क्रिएट हो रहा है. आप चूज कर लें, दैट डिसीजन वी कैन टेक इन 9c1 वेज. ठीक है, अब वो जो एलिमेंट है, लेट्स सपोज मैंने 1 को चूज किया, अब 1 एज आउटपुट कोई 2 एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है, तो कौन से वो 2 एलिमेंट है चूज कर लें. डन, तो लेट्स सपोज ये है वो 2 एलिमेंट. अब हमारे पास इधर 8 एलिमेंट्स है, इधर 8 एलिमेंट्स है और हम ऑन टू चाहते हैं, तो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर देते हैं, ऑन टू तो बन ही जाना है, राइट. सो दैट विल बिकम इन 8 फैक्टोरियल वेज. क्लियर, अनदर वे ऑफ आंसरिंग, ब्यूटिफुल वे, जिसे आप अगर यूज में लेते हैं तो आपका काम बहुत कम हो जाएगा एंड टाइम बहुत सेव होगा. लुक एट, मेरे पास इधर जो एलिमेंट्स है, मैं इसे इस तरह से लिख देती हूँ. अब इनके जो इमेजेस है मुझे बस इनके नीचे मेंशन करते जाना है, दैट्स इट. ठीक है, अब 10 एलिमेंट्स की इमेजेस तो 10 ही होना चाहिए, इधर 9 है, तो कोई एक है जो 2 बार क्रिएट हो रहा होगा, तो आप बस चूज कर लो कौन सा वो एलिमेंट है जो 2 बार क्रिएट हो रहा है. दैट डिसीजन आई कैन टेक इन 9c1 वेज. ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया, लेट्स सपोज 1 है वो. डन, अब मेरे पास 10 एलिमेंट्स है जिसमें से 2 आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, और उन 10 एलिमेंट का अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट करती हूँ 10 प्लेसेस में, ये 10 प्लेसेस ही तो हुआ इनके नीचे, राइट, उन 10 प्लेसेस पे 10 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच 2 आर आइडेंटिकल कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज, राइट. ये आ गया, दिस इज आवर कंप्लीट आंसर. अब ये आंसर और ये आंसर देखने में तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं,
चेक कर लेते हैं, आर दे सेम, क्योंकि सेम क्वेश्चन का आंसर है, दो अलग अलग आंसर तो नहीं हो सकता, वैल्यू शुड बी द सेम. तो चेक कर लें, ये 10 factorial 9 अपॉन, ठीक यहाँ पे आ जाए 9, दिस इज 10 factorial अपॉन 2 factorial 8 factorial 8 factorial, आर दे द सेम. ठीक, नेक्स्ट देखें बेटा, फंक्शन 10 एलिमेंट्स आर देयर, 8 एलिमेंट्स आर देयर, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल. उसी ढंग से हम सोच लेते हैं, अगर इधर 10 एलिमेंट्स है तो डेफिनेटली 10 आउटपुट्स तो चाहिए. तो एक केस ये होगा कि कोई एक एलिमेंट होगा जो 3 एलिमेंट के आउटपुट की तरफ क्रिएट हो रहा होगा, इसका मतलब कोई एक एलिमेंट होगा जो 3 बार आ रहा होगा, राइट, मतलब दो एक्स्ट्रा टाइम्स आ रहा होगा तो 10 एलिमेंट्स बन जाएंगे. तो केस वन, एक एक केस में आंसर करते जाते हैं. केस वन जिसमें एक एलिमेंट 3 बार एज आउटपुट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा वो एलिमेंट है हम चूज कर लेते हैं 8C1B में, फाइन. अब लेट्स सपोज मैंने 1 को चूज किया, अब मैं उसे 3 बार लिख देती हूँ और बाकी एलिमेंट्स तो एज इट इज है, ठीक. तो 1 से 8 तक एंड दो एलिमेंट, ये टोटल 10 हो गए. अब इनके नीचे मैं इनके आउटपुट्स को मेंशन करूँगी, तो मेरे पास 10 स्लॉट्स है, तो 10 प्लेसेस में इन 10 ऑब्जेक्ट्स का कितने अरेंजमेंट हो पाएगा, फाइन बेटा. तो हमारा कंप्लीट आंसर आ गया ये अंडर द फर्स्ट केस, फाइन. प्लस केस टू, केस टू में हम वो सिचुएशन कवर कर रहे हैं कि इधर 10 एलिमेंट है, इधर 8 है, दो एक्स्ट्रा चाहिए. हो सकता है दो एक्स्ट्रा जो आउटपुट है वो दो अलग अलग एलिमेंट से बन रहा है, मतलब मैंने 1 को 2 बार लिया और 2 को 2 बार लिया और बाकी सब एक एक बार है, राइट, क्योंकि हमें बस दो एक्स्ट्रा एलिमेंट और चूज करना है ना यहाँ से. तो हो सकता है वो दो एक्स्ट्रा सेम ही एलिमेंट रहा हो, जैसे यहाँ पे लिया ये है ना एक्स्ट्रा, और हो सकता है जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हो, ठीक है, यही दो केसेस पॉसिबल है, इसके अलावा नो थर्ड पॉसिबिलिटी, फाइन. तो बताएं इस केस में आप चूज करेंगे कि कौन से वो दो एलिमेंट हैं जिन्हें आपने एक एक बार और लेना है. लेट्स सपोज मैंने चूज किया 1 and 2, तो मैंने लिख दिया एक एक बार एक्स्ट्रा, तो टोटल 10 एलिमेंट्स आ दिया. इन 10 ऑब्जेक्ट्स के नीचे इन 10 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होना है, मतलब 10 प्लेसेस में 10 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कितने तरह से हो पाएगा, दो एलिमेंट आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड एंड दो और है जो आइडेंटिकल है, मतलब दो 1 है दो 2 है अरेंजमेंट, इज दैट फाइन. सो कंप्लीट आंसर इज समेशन ऑफ दिस 2, क्लियर बेटा. इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे हमें PYQs में, ठीक है ना, बहुत सिंपल डीलिंग है. नेक्स्ट बेटा, अब बस हमें क्वेश्चन से करना है, कॉन्सेप्ट तो हमने कवर कर लिया. अगर सेट ए 5 एलिमेंट्स आर देयर, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए पॉसिबल सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन. ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो नंबर ऑफ फंक्शन वाले क्वेश्चंस है ना, इन्हें आप तभी करें जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से कर लिए हो, क्योंकि पूरे का पूरा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक के ऊपर बेस्ट काउंटिंग होता है, ठीक है. अगर वो टॉपिक अच्छे से किया हुआ है तो ये बहुत इजीली आप कवर कर सकते हैं, अदरवाइज करो भी मत, क्योंकि हमें डिस्करेज नहीं होना है, ठीक है. तो बस आप नंबर ऑफ फंक्शन वाला काउंटिंग को स्किप कर दें, बाकी क्वेश्चंस कर लें, बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है. अब देखें ये है, ये सिचुएशन देखते ही हमें डी अरेंजमेंट याद आता है. डी अरेंजमेंट होता क्या है, जैसे 20 persons are seated into 20 chairs. एक क्लासरूम है जिसमें 20 चेयर्स आ गया एंड 20 स्टूडेंट्स आर सीटेड. वो ब्रेक में बाहर गए, वापस आए, फिर से रैंडमली बैठ गए. तो जब रैंडमली बैठे तो ये पाया गया कि कोई भी बच्चा अपना प्रीवियस सीट पे नहीं बैठा. इसका मतलब वी विल से ऑल द 20 मेंबर्स आर डीअरेंज्ड, ठीक है. अगर ये देखें कि कोई सिचुएशन ऐसा है जिसमें 5 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर सीटेड इन देयर ओरिजिनल प्लेसेस, लेकिन 15 स्टूडेंट्स आर नॉट सीटेड इन देयर ओरिजिनल प्लेसेस, देन वी विल से आउट ऑफ 20 15 आर डीअरेंज्ड, ठीक है. अब डीअरेंजमेंट हमें समझ तो आ गया, लेकिन किस तरह के फंक्शन वाले क्वेश्चन में हम डीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे वो देखो आप. अगर हमारे पास इधर और इधर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फर्स्ट थिंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और इसकी हर एक एलिमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं आ सकता, ठीक है, देन इन दैट केस विल थिंक अबाउट डी अरेंजमेंट. अब डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये आप देख लो. अगर एन एन दोनों तरफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ देयर, देन डी अरेंजमेंट ऑफ ऑल एन ऑब्जेक्ट्स दैट इज एन फैक्टोरियल इनटू 1 - 1/1 factorial + 1/2 factorial alternate signs के साथ -1 power n 1/n factorial. ये सिर्फ याद रखने के लिए हम यहाँ से बिगिन करते हैं, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, यहीं से ये स्टार्ट होता है, ठीक है. अगर n ऑब्जेक्ट्स में से कोई m डी अरेंज्ड हो रहे हैं तो
तो आप सिलेक्ट कर लो कि कौन से एम ऑब्जेक्ट से जो डी अरेंज हो रहे हैं एंड इन ऑब्जेक्ट्स का डी अरेंजमेंट एम ऑब्जेक्ट्स का 1/2 फैक्टोरियल लाइक दिस ऑल्टरनेट साइंस के साथ बिल्कुल ध्यान देंगे एम ऑब्जेक्ट्स का डी अरेंजमेंट क्लियर है. जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव 4 लेटर्स एंड 4 एड्रेस्ड एनवेलप्स, मैंने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखा एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेसेस भी मैंने 4 एनवेलप्स पे कर दिया, लेकिन जब मैं लेटर्स को एनवेलप में इंसर्ट कर रही थी तो मैंने अटेंशन नहीं दिया और मैंने रैंडमली इंसर्ट कर दिया. अब लेटर आई केम टू नो दैट नन ऑफ द लेटर रीच्ड टू द राइट प्लेस. इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द लेटर्स गॉट डी अरेंज्ड उसके अपने प्लेस पे ना होना, कोई पर्टिकुलर प्लेस पे ना होना, राइट. उसके लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस बना था लेकिन वो उसमें नहीं है. इन दैट केस वी से ऑल द लेटर्स गॉट डी अरेंज्ड. तो कितने तरह से पॉसिबल है, सो 4 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, राइट. काउंटिंग के लिए कभी भी फ्रैक्शन से डील नहीं करना, रादर इसको हर एक से मल्टीप्लाई कर देना. 24/2, 24/6, 24/24. क्लियर बेटा, आंसर इज 9. अब इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं. हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है और इधर भी एलिमेंट्स, तो इसका एड्रेस ये है लेकिन वो सही एड्रेस पे नहीं गया, ये लेटर अपने एड्रेस पे नहीं गया, ये इसके अपने एड्रेस पे नहीं गया, मतलब सारे के सारे 5 डी अरेंज हो गए. यस, सो आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल. बच्चा ये 120 है तो ये आ गया 60, ये 20, ये 5 और ये 1. आंसर इज ये 44. क्लियर, दैट इज हाउ वी गोना काउंट. नेक्स्ट पार्ट इसका देखें, एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई, मतलब डी अरेंजमेंट तो हो रहा है और कितने ऑब्जेक्ट का हो रहा है, 5 ऑब्जेक्ट्स का हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो एफ ऑफ 1 है वो 2 पे ही जा रहा है, मतलब ये जो लेटर है ये इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ही जा रहा है, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन में इसे आप इग्नोर करें, ये काउंट कर लें कितना आया आंसर 44, ठीक है. अब इन 44 केसेस में जो 1 था वो 1 पे नहीं जा रहा था तो वो 2 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है और 5 पे भी जा सकता है. तो 1 का जो कंप्लीट पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 है, ठीक है, टोटल, ठीक है ना. एंड उन 4 में से अब हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये इसी पे जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/4 हुई ना. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 44 है, तो 44 का 1/4 विल बी द आंसर. सो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा, इज दैट फाइन. नेक्स्ट बेटा, फिर से काउंटिंग के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो चेकिंग प्रोसेस पे ही है. इस क्वेश्चन को भी मैं फिर से आपको कह देती हूँ, अगर आपने पीएनसी का डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो काउंटिंग तरीके हैं वो सबसे क्लैरिटी है तभी करें, अदरवाइज नहीं करें, डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है. पीएनसी करते ही आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है. और इसी तरह के थोड़े से क्वेश्चंस हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया है फंक्शन के, वो क्वेश्चन भी अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो डोंट वरी, पीएनसी बेस्ट है, पीएनसी होते ही आप उन्हें कर लेंगे, ठीक है. नाउ लुक एट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी. ए सेट के पास 5 एलिमेंट्स है और ऑन टू की बात हो रही है, इधर 4 एलिमेंट्स है, हमें डायरेक्टली आंसर करना आता है. टोटल फंक्शंस कितने होंगे इस तरह के, तो आपको बताया 5 एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 आउटपुट चाहिए, तो कोई एक एलिमेंट है जो रिपीट होगा, तो डिसाइड कर लो कौन सा वो एलिमेंट होगा. लेट्स सपोज मैंने डिसाइड किया 1 है, 4C1 वे में हम वो डिसीजन ले सकते हैं. अब आपके पास 5 एलिमेंट्स आ गया, 5 स्लॉट्स आ गया, आप अरेंज करोगे और 2 ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो अरेंजमेंट विल बी फाइन, ये हो गया टोटल. सेकेंड, अगर एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, एफ ऑफ 1 2 पे ही मैप हो रहा है, इन दैट केस लुक एट वी हैव 1, 2, 3, 4, 5. क्वेश्चन ने कहा है मैं ऑन टू फंक्शन चाहिए लेकिन 1 शुड बी कनेक्टेड टू 2, ठीक है. अब स्मार्टली करना, हमारे पास 4 एलिमेंट्स यहाँ पे बचे हैं, 4 एलिमेंट्स के आउटपुट का डिसीजन हमें लेना है और इस तरह से लेना है कि इधर जो अनयूज्ड एलिमेंट है वो सभी के सभी यूज में आ जाए. अब हम इमीडिएटली इस तरह से सोचेंगे कि इधर 4 एलिमेंट है, इधर भी 4 है, अगर हम इसे मिला दें तो इन चारों को अगर हम इन चारों के साथ 1-1 कनेक्शन जोड़ते हैं तो वो ऑन टू बन जाएगा, 1 वे, ठीक है. सेकेंड वे, अगर हम डिसाइड करें कि नहीं भाई हमें 2 को अब यूज में नहीं लेना है, तो हमारे पास इधर 3 एलिमेंट है, इधर 4 एलिमेंट्स आ गया, तो हमें इन तीनों में से किसी एक का डुप्लीकेसी क्रिएट करना होगा, ठीक है. जैसे हमने डिस्कस किया ना, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने ऑन टू फंक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं,
बिल्कुल उसी तरह से काउंट करेंगे। तो बताएं केस वन, केस वन वो केस है जिसमें हम 1, 2, 3, 4 चारों को एक एक बार यूज करेंगे, क्योंकि इधर चार एलिमेंट है, इधर चार है, तो अगर हम वन वन फंक्शन बनाएंगे तो ऑन टू ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड n नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आप वन वन कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो n फैक्टोरियली होता है, तो यहाँ आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल। और बच्चा केस टू में क्या आंसर आएगा? केस टू में हम इस एलिमेंट को अब यूज में नहीं लेंगे, 4 है 3 है ऑन टू बनाना है, तो कोई एक एलिमेंट होगा जिसको हमें दो बार लेना होगा, चूज कर लें, उसे आपने दो बार लिख दिया और चार ऑब्जेक्ट के नीचे आपको उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट को लिखना है, राइट? तो 4 places में 4 ऑब्जेक्ट्स जिसमें 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 factorial by 2 factorial ways। क्लियर बेटा? दिस विल बी द कंप्लीट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, एफ ऑफ 3 1 नहीं है, तो वो कैसे करेंगे इस पर? 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन ने कहा एफ ऑफ 1 is 2, फाइन। और इसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, लिख देते हैं डायरेक्टली। इसमें एक केस था जब ये चारों के चारों एलिमेंट इनके आउटपुट की तरह क्रिएट हो, एंड सेकेंड केस था अगर 2 आज आउटपुट क्रिएट नहीं हो रहा है तो 3 एलिमेंट इधर 4 एलिमेंट्स आ देगा, दैट आंसर इज 3C1 4 factorial by 2 factorial, राइट? अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें बेटा, देन दिस इज 24 एंड दिस इज 12 एंड 36, सो दिस कम्स आउट टू बी 60। अब इन 60 पॉसिबिलिटीज में एफ ऑफ 3 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, राइट? 4 possibilities आ देयर फॉर एफ ऑफ 3, लेकिन उनमें से हमारे लिए फेवरेबल क्या है? हमें 1 नहीं चाहिए, मतलब 3/4 यही प्रोबेबिलिटी हुआ। ऑफ द टोटल क्या आ गया हमारा आंसर बेटा? डन। अगर आप इन्हें केसेस बना के आंसर करने की कोशिश करें, आप कर सकते हैं, इट्स गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है? तो इन तरह के क्वेश्चंस में हमेशा इस तरह से प्रोबेबिलिटी वाला डीलिंग करें, बेस्ट है। डन। नेक्स्ट बेटा, इन सभी क्वेश्चंस में हम 1, 1 और 2 दोनों एस्पेक्ट से चेक करेंगे, ठीक है? तो एफ ऑफ एक्स इज एक्स मॉड एक्स, फंक्शन इज फ्रॉम रियल टू रियल। सबसे पहले 1, 1 फंक्शन पे आते हैं। अगर फंक्शन सिंपल सा है, सिंप्लीफाई हो जाता है, उसका ग्राफ भी बहुत इजीली बनाया जा सकता है, बेस्ट चॉइस है। तो बताएं एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इन दैट केस मॉड एक्स इज एक्स, सो दिस इज एक्स स्क्वेयर, एंड अगर एक्स लेस देन 0 है, मॉड एक्स इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है? हम ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर ये पूरा होता है, ठीक है? हमें उसका ग्राफ लेना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पोर्शन पे, एंड माइनस एक्स स्क्वायर लेना है x लेस देन 0 पे, ये एक्स स्क्वायर होता है, ये माइनस एक्स स्क्वायर होता है, हमें लेना है नेगेटिव साइड में। डन। ये हो गया कंप्लीट ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आप ग्राफ को देखते हुए बता सकते हैं इट इज 1, 1, क्योंकि अगर आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी जगह पे तो ग्राफ को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हर जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एक ही पोजीशन पे कर रहा है, एक से ज्यादा पोजीशन पे किसी भी जगह पे नहीं कर रहा है, सो द फंक्शन इज 1, 1। और वैसे भी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस में इट इज 1, 1, ठीक? अब ऑन टू है या इन टू है, तो ग्राफ का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है वो लोवेस्ट वैल्यू देता है फंक्शन के लिए, एंड टॉप मोस्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हाईएस्ट देता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ट्रैवल कर रहा है, तो इसका रेंज आर है, एंड जो कि डोमेन है, सो फंक्शन इज ऑन टू, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, x प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड x, सेम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, बच्चे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो सिंप्लीफाई ही करना है, तो इन दैट केस दिस विल बिकम x, तो ये हो गया x प्लस 2x, दैट इज 3x, एंड x लेस देन 0 के लिए x माइनस 2x एंड दैट इज माइनस x, ठीक? y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ, ओरिजिन से पासिंग लाइन है एंड स्लोप 3 है, ठीक? स्लोप 1 वाली लाइन ये होती है 45 डिग्री वाली, एंड स्लोप इंक्रीज हुआ तो लाइन स्टिफनेस इंक्रीज हो जाता है, 3x हो गया, y इक्वल टू 3x आ गई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ओरिजिन से पासिंग लाइन है, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, माइनस 1, और वैसे भी y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स तो हम याद ही रखते हैं। ये हो गया बच्चे फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ। डन। तो ये मेनी वन है, ठीक, और ये इन टू है, रीजन बिंग इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो ये है, और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एंड 0 टू इन्फिनिटी इसका रेंज है, एंड वेयर इज द कोडोमेन इज आर, सो फंक्शन हियर इज
मेनी वन एंड इन टू. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. इन तरह के क्वेश्चन में इसे तो हम एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ही लेते हैं, है ना. अगर मैं एक्स का वैल्यू सिर्फ आपको समझाने के लिए अगर मैं 0 से 1 कंसिडर करती हूँ तो ये फंक्शन सिंप्लीफाई होके बन जाता है 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो 0 है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ठीक, अगर मैं एक और केस लूँ 1 to 2 तो उस केस में ये बनेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1. अगर मैं एक्स आई टू आई प्लस 1 लेती हूँ तो इस केस में ये बनेगा आई प्लस एक्स माइनस आई का स्क्वायर रूट, है ना बच्चे. अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं. लुक एट हाउ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ हम सबको पता है ना, एंड 0 से 1 के इंटरवल में लिया. ये 0,0 है और ये 1,1 है. डन. अब हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें उस ग्राफ को हम 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, दैट्स इट. एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के ग्राफ को अगर आप 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ मिल जाता है. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ बिल्कुल यही वाला होगा, इस तरफ 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्टेड होगा. अब इस ग्राफ को आप 1 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं तो इसका ग्राफ आपको मिल जाता है. तो उसका ग्राफ आप देखो, ये जो पॉइंट है बेटा ये 1,0 पे है. जब आप इसे 1 यूनिट अपवर्ड मूव करेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ग्राफ ये आ गया. इस तरह से अगर आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स को देखें ग्राफ ये बनता जाएगा दोनों तरफ. तो इस फंक्शन का जो रेंज है वो आर ही आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये जो है 1,1 है क्योंकि हर बार ये ऊपर की ओर ही भागता हुआ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है. ठीक है, सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव इन नेचर. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें. यहाँ फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. ठीक है, डिस्क्रीट डोमेन है. ये क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं आंसर करने में. आपको कोई 1,1 ऑन टू कुछ भी नहीं सोचना है, आपको स्ट्रेट अवे ये जो हमारा डोमेन है इस सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट कलेक्ट करना है बस. तो बताएं अगर -1 पावर n का इन्वॉल्वमेंट है तो बेटर रहेगा कि हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं. अगर n ऑड है इन दैट केस ये बन जाएगा -1, तो ये होगा n+1, और अगर n इवन है तो ये होगा +1. तो फंक्शन इस केस में बन जाएगा n-1. ठीक है, अब बच्चे ऑड इनपुट हमारे पास क्या क्या है, 1, 3, 5 एंड सो ऑन. अगर हम ये वाले वैल्यूज पुट करते हैं तो एफ ऑफ एन के जो वैल्यूज क्रिएट होते हैं 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 2, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 4, 6 सो ऑन. इवन नेचुरल नंबर सारे क्रिएट हुए. और अगर इवन की बात हम करें तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन है. 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स क्रिएट हुए हैं, राइट. अगर हम कंबाइन रेंज की बात करें दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. ठीक है, अब आप आंसर करें यही से, रेंज क्या आ गया, कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो फंक्शन का नेचर आ गया आज ऑन टू. अब 1,1 है या मेनी 1 है, आप ये पूरे लिस्ट ऑफ आउटकम है ना इन्हें ध्यान दें. क्या कोई भी एलिमेंट आपको इस पूरे लिस्ट में 2 बार नजर आ रहा है, नहीं. हर एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग हर बार एक नया आउटपुट ही क्रिएट हुआ है. इसका मतलब फंक्शन का नेचर 1,1 है. सो दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन. क्लियर बेटा. नेक्स्ट फंक्शन इज R2, ये है इसका कोडोमेन. फाइंड एफ ऑफ विच दिस इज ऑन टू, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ गलती का थोड़ा सा चांस रहता है तो ध्यान देना. और ये फाइनली क्वाड्रेटिक के डीलिंग के ऊपर बेस्ट होगा, तो वो अगर आपने किया है तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाना है. ठीक है, लुक एट, अगर हम ये फंक्शन ऑन टू चाहते हैं इसका मतलब यही हुआ ना, इस फंक्शन का जो कंप्लीट आउटपुट है वो ये होना चाहिए, राइट. टैन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मोर द इनपुट मोर विल बी द आउटपुट. सो मोर द आउटपुट मोर इज इस इनपुट. सो टैन π/2 ओपन इंटरवल में है, टैन 0, राइट. और हम चाहते हैं कि x² + x + a का जो आउटपुट आए वो पूरे का पूरा 0 से इन्फिनिटी में ही आए. मतलब इसका जो रेंज है वो ये आना चाहिए, इसमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सभी के सभी वैल्यू ही हमें चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी ऑन टू. क्लियर. अब बता दें कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज 0 to इन्फिनिटी कब आएगा, जब पर्टिकुलरली उसका ग्राफ ऐसा हो. यस,
अपवर्ड पैराबोला तो है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है. इट्स जस्ट दैट वी रिक्वायर इट्स डिस्क्रिमिनेंट टू बी इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पर्टिकुलरली, क्योंकि हमें ग्राफ ऐसा ही चाहिए, हमें ग्राफ ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि रेंज ही इसका हमें स्ट्रिक्टली ये चाहिए. ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया एंड वी वॉन्ट इट टू बी 0, ए इज फाइन. नेक्स्ट बेटा, फाइंड के फॉर विच फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल एफ ऑफ एक्स इज दिस इज बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव मतलब 1-1 एंड ऑन टू बोथ. अब के का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो अगर के 0 है, इन दैट केस ये क्यूबिक नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक होगा, और क्वाड्रेटिक का रेंज कभी भी आर आ ही नहीं सकता, कोई भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज आर आ ही नहीं सकता, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ठीक, तो के इक्वल टू 0 के लिए तो किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है. तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया, के जो कुछ भी आएगा नॉन जीरो ही आएगा. ठीक है, अब ये क्यूबिक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए इमीडिएटली एफ डैश पे चले जाएं, क्या आ गया, 3 के x square plus 2x minus 1. और अगर हम 1-1 चाहते हैं, क्योंकि k जब नॉन जीरो है तो ये ऑन टू तो बन ही गया, क्योंकि रेंज तो इसका r ही आना है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज r ही आता है. अब 1-1 बनने के लिए इसका जो ग्राफ है, या तो अपवर्ड मूविंग हो या डाउनवर्ड मूविंग हो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों चीज कवर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कंडीशन लेंगे ना बेटा, वो होगा एफ डैश शुड बी आइदर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वल टू 0 क्लियर कर देती हूँ, मैंने आपको कहा था इक्वल टू 0 अगर डिस्क्रीट प्लेसेस पे होता है देन नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब पॉलिनोमियल है बेटा, तो एक ओवर एन इंटरवल हो 0 नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता, जब भी होगा डिस्क्रीट पोजीशन पे ही होगा. तो इन तरह के क्वेश्चन में आप स्ट्रेट अवे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 इन कंडीशन को इम्पोज करते हैं. ठीक है, अब कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 हो, दैट्स इट, राइट. तो कभी भी अगर क्यूबिक को आप डील कर रहे हो, बाइजेक्टिव सिचुएशन है, स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट करें और ये कंडीशन अप्लाई कर दें, दैट्स इट, और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ और आप इसे इजीली कोरिलेट भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफिकल डीलिंग के साथ कर सकते हैं. ठीक है, अब आंसर दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, 12k शुड बी ऑलवेज, तो बच्चा k शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, डन, दिस इज आवर कंप्लीट आंसर. नेक्स्ट बेटा, फंक्शन इज फ्रॉम डोमेन टू सेट ए. डोमेन हम निकाल सकते हैं, सेट ए के बारे में देखते हैं, व्हाट इट सेज, फंक्शन इज दिस एंड एफ इज सर्जेक्टिव, फंक्शन ऑन टू है, एंड देन फाइंड ए. तो क्लियर है, हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, एंड रेंज जब भी हम फाइंड करते हैं विद इन द डोमेन ही फाइंड करते हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है, तो बस रेंज फाइंड कर रहे हैं एंड दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. क्लियर है, अब इसका रेंज फाइंड करने के लिए विल बिगिन फ्रॉम द डोमेन, एंड डोमेन मतलब 3 - 2x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² लेस देन इक्वल टू 3/2, सो x बिलोंग्स टू द इंटरवल, फाइन. अब हमें इस इंटरवल में इस फंक्शन का रेंज डिस्कस करना है, स्ट्रेट अवे कैलकुलस मेथड. ठीक है, जो भी आप डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते वही हमारे लिए कंप्लीट मेथड है. नाउ व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस, एफ डैश इज 1, इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस -4x, फाइन. अब हम देखेंगे व्हेन इज एफ डैश एक्स 0 और अनडिफाइंड, और ये अनडिफाइंड बनेगा एट द एंड पॉइंट्स. ठीक है, और वो तो हम ऑलरेडी डोमेन कैलकुलेशन में कंसिडर करते ही हैं, तो एंड पॉइंट्स को हम कभी भी अलग से मेंशन नहीं करते हैं. अब देखते हैं व्हेन इज इट 0. नाउ फॉर दिस टू बी 0, 1 इज इक्वल टू 4x अपॉन 2 बाई दिस, सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस किया, 3 - 2x² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x. एज सच अंडरस्टूड है कि ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, 2x से इक्वेटेड है, तो x जो कुछ भी होगा नॉन नेगेटिव ही होगा. ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर अटेंशन नहीं भी देते हैं ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, यहाँ देखिए, अब अगर हम इसे स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये आ गया 4x², सो वी गेट 6x² इज 3 एंड x² इज 1/2 ±1/√2. अगर आपने इस पर अटेंशन दिया है तो आप कहेंगे x इज 1/√2, और अगर अटेंशन नहीं दिया है तो आप दोनों वैल्यूज को लेंगे, लेकिन हमारे आंसर को रेंज वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, चाहे आप दोनों को ही कंसिडर करके चले जाओ. नाउ हम फंक्शन का वैल्यू लेंगे डोमेन के एंड पॉइंट्स पे, और फंक्शन का वैल्यू लेंगे
एट ऑल दोज प्लेसेस वेर एफ डैश एक्स इज जीरो और अनडिफाइंड. अनडिफाइंड तो इन्हीं जगह पे बन रहा है, और जीरो जहां बन रहा है पहले चेक करेंगे वो वैल्यूज विद इन द डोमेन है या नहीं है. आई एम कंसिडरिंग दिस. ओके, हो सकता है बहुत से बच्चे यहाँ अटेंशन ही ना दें, तो इसी को लेके ही करते हैं. तो वन बाई रूट टू क्या इस इंटरवल में आता है, कैसे चेक करोगे? चाहे आप स्क्वेयर करके चेक कर लो या एज इट इज कर लो. दिस वैल्यू इज रूट थ्री बाई रूट टू, ठीक है. और वन बाई रूट टू है, ये रूट थ्री बाई रूट टू है, तो वन बाई रूट टू इज स्मॉलर देन, क्योंकि रूट थ्री इज लार्जर देन वन, ठीक है. तो उस इंटरवल में तो वो है. उसी तरह से माइनस वन बाई रूट टू भी है, फाइन. अब फंक्शन का वैल्यू हम लेंगे वन बाई रूट टू पे, फंक्शन का वैल्यू माइनस वन बाई रूट टू पे. आंसर करें, फंक्शन मतलब ये, इसका वैल्यू इस जगह पे क्या आएगा? सो एक्स दैट इज दिस, ओके, इस पर्टिकुलर पोजिशन पे ये हो जाएगा थ्री, कैंसिल होके जीरो, मतलब यही रह गया. उसी तरह से यहाँ पे ये जीरो, सो दिस, फाइन. वन बाई रूट टू पे क्या होगा, ये वन बाई टू कैंसिल हो गया, टू रह गया रूट टू. सो वन बाई रूट टू प्लस रूट टू व्हिच इज थ्री बाई रूट टू, फाइन. एंड माइनस वन बाई रूट टू पे क्या होगा, दिस इज माइनस वन बाई रूट टू, और यहाँ पे आ जाए दिस इज रूट टू. तो बच्चा ये आ गया आज वन बाई रूट टू. अब बताएं इन सभी में सबसे छोटा वैल्यू तो ये है, एंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है चेक कर लें. ये रूट थ्री बाई रूट टू है, ये थ्री बाई रूट टू है, डेफिनेटली दिस इज लार्जर. आ गया बच्चा रेंज, और यही है हमारे लिए सेट ए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन आर टू दिस, एफ ऑफ एक्स इज दिस. आपको चेक करना है वन वन ऑन टू दोनों एस्पेक्ट से, ठीक है. मिक्सचर ऑफ फंक्शन है, इमीडिएटली डेरिवेटिव पे तो बिल्कुल भी ना जाए, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आंसर हो जाते हैं, ठीक है. जैसे मैंने बोला ना काउंटर एग्जांपल मेथड से, उसी से कर लें. साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स, क्या दो जगह पे जीरो देने वाला आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं. अगर एक्स का वैल्यू एन पाई टाइप के हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में है ना, तो आई कैन से एफ ऑफ जीरो इज जीरो, एफ ऑफ पाई इज ऑल्सो जीरो, एफ ऑफ टू पाई इज ऑल्सो जीरो. आप तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन टू आर इनफ. सो वी विल से एफ ऑफ जीरो एंड एफ ऑफ पाई आर इक्वल, सो द फंक्शन इज मेनी वन इन नेचर, ठीक है. अब आते हैं ऑन टू है या इन टू है, मतलब इसका रेंज ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है. अब साइन एक्स को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ इस पार्ट पे आ जाते हैं. साइन एक्स इज मल्टीप्लाइड विथ समथिंग, ठीक है. तो ये वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी में होता है, ये वन से इन्फिनिटी में है. अगर हम इन सभी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं, मोर द डिनोमिनेटर लेसर विल बी द आउटकम. सो वन बाई इन्फिनिटी टू वन बाई वन, ठीक. अब बच्चा साइन एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन में होता है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन वैल्यू से. अब बताएं ये वैल्यू वन अपरमोस्ट वैल्यू पे ही आ जाए, ये वैल्यू वन कब क्रिएट हो सकता है? जब दोनों वन हो, राइट. अब ये वैल्यू वन स्पेसिफिकली तब बनता है जब एक्स का वैल्यू जीरो हो, और जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो साइन एक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है. मतलब दोनों साइमल्टेनियसली वन किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब इसका आउटपुट एज वन कभी बन ही नहीं सकता. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम कहेंगे द फंक्शन इज इन टू. तो ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, इन्हें इसी तरह से ही आप हैंडल करें. डन. नेक्स्ट आप देखें, सेम फंक्शन इज चेंज्ड, प्रोसेस ऑफ डीलिंग सेम. क्या ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन है? बच्चे कॉस एक्स का वैल्यू जीरो मल्टीपल पोजिशन पे बनता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे. तो जब ये जीरो बन जाता है तो ये पूरा ही जीरो बन जाएगा. सो कैन आई से एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू, सो द फंक्शन इज मेनी वन इन नेचर. यस. और बहुत सारे क्वेश्चंस जी मेन एंड एडवांस में आपको मिल जाएंगे, जिनको आप काउंटर एग्जांपल से हैंडल करते हैं, ठीक है. अब आ जाएं इसके रेंज पे, एग्जैक्टली उसी तरह से कॉस एक्स इज मल्टीप्लाइड विथ वन बाई, ये है इसका रेंज. बता दें क्या आएगा, कंप्लीशन ऑफ स्क्वेयर से कर लें, डेरिवेटिव से कर लें, और माइनस डी बाई फोर ए, जैसे भी करना है रेंज बता दे बस. मैंने कंप्लीशन ऑफ स्क्वेयर से किया, जैसे जीरो टू इन्फिनिटी, ये है थ्री टू इन्फिनिटी. अगर आप इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, मोर द डिनोमिनेटर लेसर विल बी द आउटकम. सो वन बाई इन्फिनिटी टू वन बाई थ्री, परफेक्ट. ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हुए माइनस वन से वन तक के. अब अपर मोस्ट वैल्यू को ही चेक कर लेते हैं. वन वन अचीव तब होगा जब वन वन के साथ मल्टीप्लाइड हो, क्योंकि दोनों ही आप देख सकते हैं माइनस वन से वन, माइनस वन से वन फ्रैक्शन के फॉर्म में है एक तरह से, है ना, अगर आप साइन को इग्नोर करते हैं. तो उस केस में वन तो तभी अचीव हो सकता है जब दोनों वन एंड वन हो. यहाँ पे तो वन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है.
तो किसी भी हाल में ये वन तक पहुंच ही नहीं सकता. जब कोई एक भी एलिमेंट यहाँ पे अनयूज रह जाता है देन द फंक्शन इज इन टू. तो ये दोनों ही फंक्शन मेनी वन एंड इन टू टाइप के हैं. ठीक, नेक्स्ट देखें बेटा. बच्चा फिर से मैंने क्यूबिक लिया है और फंक्शन आप लिख लें आर टू आर है. ओके, और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट वन है, मतलब ये क्यूबिक है तो इसका रेंज तो आर आएगा ही, तो फंक्शन तो ऑन टू है. बस वन वन के एस्पेक्ट से देखना है. उसके लिए एफ डैश लेना है एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो करना है. दैट्स इट क्यूबिक के लिए. आप इस चीज को याद ही रख लो, आपको कोई और एनालिसिस क्वाड्रेटिक एनालिसिस उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है. स्ट्रेट अवे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल टू जीरो, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री. फाइन, दैट इज आवर आंसर. नेक्स्ट फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर. इन सभी फंक्शन को हमें चेक करना है बाइजेक्टिव है या नहीं है. इनफैक्ट लेट जस्ट चेक वन वन मेनी वन में से कौन सा है, ऑन टू एंड इन टू में से कौन सा है. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन मॉड का प्रेजेंस है. क्या करें, सिंप्लीफाई करें. तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये फंक्शन ये है, और अगर x लेस देन जीरो है दिस. राइट, अब दोनों ही केस में हम सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं f डैश, क्योंकि रेंज हो या वन वन नेचर हो दोनों को ही हम डेरिवेटिव के हेल्प से स्टडी कर ही सकते हैं. तो f डैश डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. क्या ये हमेशा ही पॉजिटिव है? x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन है. ये जो कुछ भी आएगा हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इस इंटरवल में तो ग्राफ अपवर्ड मूविंग है, वन वन है उस पर्टिकुलर इंटरवल में. ठीक, सेकेंड में देखें आप f डैश डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर, दो माइनस से प्लस हो गया, अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. ये हो गया कैंसिल. क्या ये वैल्यू, क्योंकि x लेस देन जीरो है, अगर x लेस देन जीरो है तो वन माइनस x पॉजिटिव है, इसको आप स्क्वेयर करेंगे पॉजिटिव है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो. तो इस इंटरवल में भी ग्राफ अपवर्ड मूविंग ही है. फाइन, तो अब हमें कंबाइनली डिस्कस करना है दोनों ब्रांचेस को. ठीक है, और इसका डिस्कशन के लिए बेस्ट तरीका है दोनों का आप रेंज ले लें. बताएं इस पर्टिकुलर इंटरवल में, मतलब x माइनस इन्फिनिटी से जीरो है एंड ग्राफ अपवर्ड मूविंग है, इसका मतलब लिस्ट इनपुट के लिए लिस्ट आउटपुट मिलेगा, हाईएस्ट इनपुट के लिए हाईएस्ट आउटपुट मिलेगा. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे देखें ये क्या देगा हमें, माइनस इन्फिनिटी अपॉन वन प्लस इन्फिनिटी. इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी के सामने फाइनाइट वैल्यू का एग्जिस्टेंस नहीं होता. x अपॉन माइनस x इज माइनस वन, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आता है माइनस वन, और जीरो के लिए क्या आउटपुट देगा, जीरो अपॉन वन दैट इज जीरो. तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसका जो रेंज आ रहा है वो है माइनस वन टू जीरो. ठीक है, अब इस इंटरवल में आ जाएं, अपवर्ड मूविंग है, इंक्रीजिंग है. जीरो पे इसका आउटकम आ रहा है जीरो इंक्लूडेड, एंड इन्फिनिटी के लिए इसका आउटकम आएगा, इन्फिनिटी के सामने वन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एक्स बाई एक्स कैंसिल हुआ एंड दैट इज वन. ठीक है बेटा, तो ये आ गया इसका रेंज विद इन दिस इंटरवल. तो अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये आता है माइनस वन टू वन एज इस रेंज, और ये कोडोमेन से इक्वल नहीं है, सो द फंक्शन नेचर इज इन टू. क्लियर, अब हमें देखना है ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन है. तो आप देखें इस पर्टिकुलर पोर्शन में ग्राफ अपवर्ड मूव किया, जीरो पे इसका आउटकम जीरो था, मतलब जीरो कमा जीरो से पास किया, अपवर्ड मूविंग था, और इन्फिनिटी पे ये वन को अप्रोच किया. राइट, एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन में माइनस वन से जीरो इसने रेंज दिया, माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू माइनस वन को अप्रोच कर रहा था लाइक दिस. ये इसका कंप्लीट ग्राफ. क्या ये फंक्शन वन वन है, क्योंकि ऑल थ्रू आउट ही ऊपर की ओर भाग रहे हैं. फाइन, सो द फंक्शन इज वन वन बट इट इज इन टू. क्लियर बेटा, नेक्स्ट ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, वन वन मेनी वन ऑन टू इन टू, ये चेकिंग हमें करनी है. तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर लें, और अगर आज इट इज करना है आप आज इट इज भी प्रोसीड कर सकते हैं, बेटर तो यही रहेगा. ई पावर एक्स दोनों के पास होगा डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो ये रह गया. ठीक है बेटा, अब एफ डैश ले लें, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ द न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. ठीक है, यहाँ आप देखें ये वाला जो टर्म है माइनस टू ई पावर टू एक्स इंटू ई पावर टू एक्स, ये हो जाता है कैंसिल. अब हमारे पास जो बच जाता है वह है फोर ई पावर टू एक्स अपॉन ई पावर टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. ई का कोई भी पावर हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो ही आता है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जो एफ है ये वाला फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली अपवर्ड मूविंग है, तो वन वन तो ये है.
अब बस हमें इसका रेंज निकाल के देखना है कि वो आर आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चा जब कभी भी कोई फंक्शन अपवर्ड मूविंग होता है तो उस केस में इंक्रीजिंग है ना, तो इंक्रीजिंग के केस में डोमेन का जो लिस्ट इनपुट है वो हमें लिस्ट आउटपुट देगा एंड जो हाईएस्ट इनपुट है वही हमें हाईएस्ट आउटपुट देगा। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है इन दैट केस जो हमारे पास हाईएस्ट इनपुट है वो लोएस्ट आउटपुट देगा एंड लोएस्ट इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट आउटपुट आएगा। ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, डोमेन आर है, राइट। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या है एंड एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या है? ओके, ई पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, सो दिस इज माइनस वन। एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या आएगा? इन्फिनिटी माइनस वन, तो इन्फिनिटी के सामने फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी प्लस वन, ये हो जाता है कैंसिल, राइट। ई पावर टू एक्स तो है ना, एग्जैक्टली, सो दिस इज वन। तो बच्चा यहाँ रेंज आ जाता है माइनस वन टू वन, ओपन इंटरवल, क्योंकि माइनस वन माइनस इन्फिनिटी कॉरेस्पॉन्डिंग बनाए एंड इन्फिनिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इन्फिनिटी कभी भी क्लोज में नहीं आता, तो ये वैल्यूज ओपन इंटरवल में है एंड ये मैच नहीं करता है विद द कोडोमेन। सो द फंक्शन नेचर इज वन वन बट इन टू। ठीक, नेक्स्ट बेटा, एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस वन, यहाँ पॉलिनोमियल है एंड वो भी फोर्थ डिग्री में है, तो रेंज तो इसका किसी भी हाल में आर आ ही नहीं सकता। इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कभी भी आर नहीं आता, मैंने एक्सप्लेन भी किया है क्यों। ठीक है, तो फंक्शन तो हो गया इन टू। अब फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, हमें इसका साइन चेक करना है, दैट्स इट, है ना। अगर ये कभी अपवर्ड मूविंग है तो कभी डाउनवर्ड मूविंग है, इन दैट केस ये जो फंक्शन है दैट विल बिकम मेनी वन। अगर ये हमेशा ही अपवर्ड मूविंग है या हमेशा ही डाउनवर्ड मूविंग है, इन दैट केस द फंक्शन विल बिकम वन वन। ठीक है, तो इसके लिए इसे हम कर देते हैं फैक्टराइज और हम साइन चेंज रूल, जिसे हम वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं, उससे चेक कर लेते हैं। जीरो से बड़े वैल्यू के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट। तो क्लियरली एफ डैश एक्स का साइन कभी नेगेटिव है तो कभी पॉजिटिव है, दैट मीन्स द फंक्शन इज मेनी वन, मेनी वन एंड इन टू। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। क्यूबिक के साथ कोई फाइनाइट वैल्यू है, आर है इसका रेंज, उसके साथ कोई बाउंडेड फंक्शन है तो इसका रेंज आर ही आएगा, तो ऑन टू तो ये है। अब हमें वन वन है या मेनी वन है ये चेक करना है, उसके लिए एफ डैश, सो दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब हमें इसका साइन जानना है, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव है, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, वो किसी भी तरह से आप स्टडी कर सकते हो, चाहे आप रेंज लेके इसे स्टडी कर लो या डायरेक्ट कोई एनालिसिस से सॉल्व कर लो। ठीक है, अब मिक्सचर ऑफ फंक्शन है, इसका रेंज तो माइनस रूट टू से रूट टू में होता है, राइट। इसका रेंज देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रेंज निकालना आपको बहुत से तरह से आता है। मैं माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी ही ले लेते हो स्ट्रेट अवे, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है बच्चा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी माइनस थर्टी टू। सो माइनस डी बाई फोर ए इज थर्टी टू अपॉन ट्वेल्व और ये सिंप्लीफाई होके बनता है एट बाई थ्री, तो इस पार्ट का रेंज है एट बाई थ्री टू इन्फिनिटी। बच्चा इन वैल्यूज में जब आप इन सेट ऑफ वैल्यूज को ऐड करोगे तो जो लोएस्ट पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हो वो है एट बाई थ्री माइनस रूट टू और वो भी पॉजिटिव है। तो जब सबसे छोटा वैल्यू जो एफ-डैश का पॉसिबल है वो पॉजिटिव है तो बाकी सारे तो पॉजिटिव ही रहे। सो द फंक्शन नेचर इज वन वन, क्योंकि एफ-डैश पॉजिटिव होना मतलब ऊपर की ओर भागता हुआ ग्राफ हमें मिलेगा, इंक्रीजिंग होगा वो। ठीक है, सो हियर आवर आंसर इज इट इज बाइसेक्टिव, इट इज वन वन एज वेल एज ऑन टू। क्लियर, सो दैट्स इट बेटा। ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेने की हमने कोशिश की और इसके बाद जब हम पी वाई क्यूज करेंगे तो यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल आफ्टर दैट। ठीक है, सो आई एम क्लोजिंग इट हियर।